सच में कर रहे हैं यार, बोलते भी नहीं है। दवाई भी ले ली है, ये रही, बहुत टाइम लग गया, भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। पहुँच गया ऊपर, अब इसको यहाँ से ऊपर जाना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं कमला तिरवा, आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। करते हैं नए दिन की शुरुआत, अभी बज चुके हैं 11, तो खाना पीना भी हो चुका है, तो सारा काम हो चुका है। आज जा रहे हैं ऋतिक को छोड़ने, वैसे तो मैं आजकल नहीं जाती हूँ, आज आए हैं तिरुआ जी, तो इसलिए ऋतिक को छोड़ने जाती हूँ। फिर मेरा एक काम और है, आज करना है मैंने पानी का बिल जमा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे, और पहले तिरुआ जी से भी मिलाते हैं आपको। ये रहे तिरुआ जी, जब भी देखते होंगे ना आप इनको सोते ही देखते होंगे, पता नहीं इतनी नींद क्यों आती है उनको, हमेशा सोए रहते हैं, देख सकते हैं आप। अभी 11 बजे खाना पीना खा के फिर से सो गए, अब उठा रहे उनको, उठ नहीं रहे। उठो ना, उठो उठो, तो जाना है, उठाओ तो जानो है। ये देखो फाइनली तिरुआ जी उठ चुके हैं, इतनी खुशामत करी, इतनी वो करी मेहनत, उठो उठो करके देख लो, फिर भी आंखें बंद हैं इनके। चलो जाना है, चलो चलो ना, पता नहीं यार कितनी नींद आती इनको। अभी हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए, पहले हम ऋतिक को छोड़ेंगे, और तिरुआ जी तो स्पीड में गाड़ी चला रहे ना, डर लग रही है इनके साथ आज, पता नहीं नींद से उठाया ना इनको, गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तुमको हैं? हैं? नहीं आ गुस्सा, क्यों आता गुस्सा? तुम इतनी स्पीड में क्यों ले जा रहे हो? स्पीड होना सही है, सही है, फिर तो डर लग रही है। चलते हैं सीधे घर ऑफिस। हमारे ना तिरुआ जी अंदर आए नहीं, मेरे को ही कहा तो चले जा करके, तो देखते हैं, चलते हैं आप सीधे घर को। पापा नहीं आ रहे हैं, एक काम करके आए ना तिरुआ जी, अपना उठ नहीं रहे, मेरे से ही कह रहे हैं ये कर वो कर, आप लेके आना है मुझे दवाई, ससुर जी की दवाई लेके आनी है श्याम मेडिकल स्टोर से। अपना तो उठ नहीं रहे हैं गाड़ी से, मेरे को ही कह रहे हैं सब काम तो कर, देख लो तो कैसे। तो मैंने दवाई भी ले ली है, ये रही, बहुत टाइम लग गया, भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, अपना तो ये गाड़ी से उठ ही नहीं रहे तिरुआ जी। तो हम पहुंच चुके हैं घर, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है अभी बाहर, और हम पहुंच गए हैं, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, अभी थोड़ी देर आराम किया, मेरे को इतनी नींद आ गई बहुत ज़्यादा, तो अभी बज चुके हैं 3, अब जाके नींद खुली मेरी। एक तो बाहर ना इतनी बारिश हो रही थी, इस वजह से मेरे को बहुत ही नींद आ गई। तो अभी आप बनाते हैं चाय, चाय के साथ आज क्या बना रही मैं पकौड़ी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं प्याज और आलू काट के रखे हैं, अब बनाते हैं मसाला और इसमें डाल के,
फिर बनाते हैं पकौड़े, बनाते हैं फिर पकौड़े, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, मेरे बनने लग गए हैं पकौड़े, आप लोगों को भी दिखा दें। देख सकते हैं ये बना है मेरा मसाला और ये बन रहे हैं मेरे आलू के चिप्स। ये देख सकते हैं कर करे हमारे तिरुआ जी को जो है बहुत पसंद है। और इसमें बन रही है मेरी चाय। हमारे तिरुआ जी ना ऐसी पकौड़े पसंद करते हैं। एक यहाँ रख चूल्हे पे। देख सकते हैं मेरा चाय भी पकौड़े भी बन चुकी है और तिरुआ जी खाने भी लग गए हैं। तिरुआ जी खाने लग गए हैं चाय और पकौड़े। कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है। इस पर रखे हैं पकौड़े और ये खा रहे हैं। और दिन तुम खिलाते थे, आज हमने बना दिया। आपके जैसे बने नहीं बने ना? जैसे आप बनाते थे वैसे बने सच में? कर रहे हैं यार, बोलते भी नहीं है। देख सकते हैं और दिन रोज तिरुआ जी बना देते ना पकौड़े, आज मैंने बना दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना। तो आज हर दिन जिस दिन भी आते थे ना रोज यही बनाते थे, आज मैंने बना दिया। तो हमारे तिरुआ जी बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे तो नहीं आता है। जैसे भी हो रहे हैं कह रहे हैं अच्छे ही हो रहे हैं, मेरा पता नहीं। ये बहुत अच्छा बनाते हैं, जिसको पकौड़े खाना होगा तो तिरुआ जी के हाथ के खाना, बहुत टेस्टी बनाते हैं। देख सकते हैं इतनी अच्छी धूप खिली है भैया। खूब मस्त सी धूप खिली हुई है। गिरेगा पाँव में। पहुंच गया ऊपर, अब इसको यहाँ से ऊपर जाना है। कैसे जाएगा पता नहीं। आजा, कितनी क्यूट लग रही है। आजा, अभी हम पहुंच चुके हैं होम डिलीवरी सामान, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर। तो अब बनाते हैं रात का खाना। जैसे कि आप लोगों को पता है आज तिरुआ जी आए हैं, अभी वो जाएंगे घर, तो उनके लिए रात के लिए खाना बनाना है। तो आज उनकी डिमांड आई है कि करेला बनाना करके। देख सकते हैं मैंने करेला काट लिए हैं, कड़वा करेला। लोग ना कड़वा करेला बहुत कम खाते हैं, मेरी फैमिली में ना सबसे ज़्यादा अच्छा कड़वा करेला मानते हैं, मेरे बच्चे भी और हमारी तिरुआ जी भी। तो मैं बना रही हूँ करेला। तो अभी तो मैं आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि जल्दी खाना बनाऊँगी तो टाइम से उनके आने से पहले बन जाएगा। तो आज का तो कुछ ऐसी रहा कि ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए, आज कुछ मेरा स्वास्थ्य भी ढीला लग रहा है। देख ही रहे होंगे अजीब सा मुँह हो रहा है, तो मन भी नहीं कर रहा कुछ काम करने का, काम भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए वैसे ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो थोड़ा सा भी ज़्यादा काम हो जाएगा ना, जिस दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो अब बनाते हैं खाना। आज का ब्लॉग
यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।